खेले कूदे दौड़े संग, नाचे कूदे झूमे संग, खेले कूदे दौड़े संग, नाचे कूदे झूमे संग। CIET प्रस्तुत करता है उमंग 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 उमंग। उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम निजामुद्दीन औलिया। तेरहवीं शताब्दी के आरंभ में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की नींव रखी, लगभग उसी समय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती लाहौर और दिल्ली से होते हुए अजमेर पहुंचे। अजमेर के इन महान सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की चिश्तिया परंपरा में एक से बढ़कर एक महान संत हुए, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर। शेख फरीद के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। मैंने फिर पायो निजामुद्दीन औलिया, मैंने फिर पायो निजामुद्दीन औलिया, मैंने फिर पायो। उनके दरवाजे पर अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, दरबारी किसान, हर किसी को आसरा मिलता था। उनके शिष्यों और मुरीदों यानी भक्तों में अपने वक्त के मशहूर शायर, इतिहासकार और दरबारी अमीर खुसरो और अमीर हसन भी शामिल थे, जो उन जैसा गुरु, उन जैसा पीर पाकर अपने आप को खुशनसीब समझते थे। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। और मुसीबत के मारे लोगों के दुख कम करने के लिए निजामुद्दीन औलिया जो कुछ भी कर सकते थे करते थे। उनके यहाँ छोटे बड़े, अमीर गरीब का कोई फर्क न था। हर तरह के सूफी संत वहाँ आते, कुछ दिन रहते और चले जाते। किसी भी जाति, धर्म व वर्ग का कोई भेदभाव नहीं था। अरे भाई, अमीर खुसरो कहाँ है? उन्हें देखा कहीं? क्या बात है रशीद, मैं यहाँ हूँ। अमीर साहब, खाने का वक्त हो रहा है। हजरत ने राजपूताने के कुंवर साहब से खाने को कह दिया है। बड़ी मुश्किल में हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूं। इसमें मुश्किल कैसी रशीद भाई, खाना परोस दो। यही तो मुश्किल है, कैसे परोसूं? यहाँ तो सब लोग एक साथ बैठकर एक ही थाली में खाते हैं, लेकिन हिंदू तो इसे झूठा मानते हैं। उनके यहाँ एक थाल में खाने का रिवाज नहीं है ना। हाँ, ये तो वाकई परेशानी की बात है। अच्छा, ऐसा करते हैं, आओ हजरत से पूछ लेते हैं। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। हजरत, क्या बात है खुसरो, क्या पूछना है हमसे? हजरत, ये रशीद कुछ परेशान है। हिंदुओं में एक थाल में खाने का रिवाज नहीं है, ये लोग उसे झूठा मानते हैं, और आपने कुंवर साहब को यही खाने को कह दिया, अब क्या किया जाए? ऐसा करो रशीद कि आज सभी लोगों को अलग अलग थालियों में खाना परोस दो। अगर उनके यहाँ एक साथ एक थाली में खाना जायज नहीं है तो हमें उनके जज्बात की कद्र करनी चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा हुजूर, तो मैं खाना लगवाता हूँ। हाँ जाओ। क्या बात है खुसरो, क्या सोच रहे हो? ये सोच रहा हूँ हजरत, आप कितने बड़े हैं, आपका दिल कितना बड़ा है। ये ख्याल इस वक्त कैसे आया? आपको याद नहीं हजरत, उस दिन कुछ हिंदुओं को पूजा पाठ करते देखकर भी आपने कुछ ऐसी ही बात की थी। आपने कहा था
हर मजहब के अपने तौर तरीके, अपने रस्म व रिवाज होते हैं। सच्चा इंसान वही है जो किसी भी तरीके से रहे पर हमेशा खुदा पर ईमान रखे। सभी ये खुदा के बंदे हैं। निजामुद्दीन औलिया इंसान की खिदमत को, मनुष्य की सेवा को नमाज और रोजे से भी बड़ा धर्म समझते थे। वो अक्सर एक कहानी सुनाते। एक बड़े पहुंचे हुए दरवेश थे। वो घूमते घामते गुजरात पहुंचे। वहां उन्हें एक मौलाना मिल गए। दोनों साथ साथ चलने लगे, बातचीत होने लगी, सफर कटने लगा। तभी हो गया नमाज का वक्त। मौलाना कहने लगे, नमाज का वक्त हो गया है, कहीं हाथ मुंह धोने के लिए पानी मिल जाए तो वुजू करके नमाज पढ़ लें। मौलाना साहब, वो देखिए कुछ दूर एक बावड़ी नजर आ रही है। हाँ, ये औरतें भी घड़े लेकर उसी तरफ जा रही हैं। वहां हाथ मुंह धोने के लिए पानी जरूर मिल जाएगा। हाँ हाँ, चलिए वहीं चलते हैं। अरे बेटा, पानी ले लेने देना। अरे अरे अरे, दूर हो जा बढ़िया, सर पर ही चली चली जा रही है। कह दिया ना, इस बावड़ी से पानी लेने का हुक्म नहीं है। जा जा, कोई और कुआं देख। अरे भैया दरोगा जी, देखो तो सही, मेरा बच्चा प्यास से रो रहा है, जरा एक घड़ा पानी ले लेने दो ना। अरे एक घड़ा पानी से राजा जी की बावड़ी खाली थोड़ी हो जाएगी। हाँ ठीक है, एक बार में सुनती नहीं। अरे कह जो दिया कि यहाँ से पानी नहीं मिलेगा तो बस नहीं मिलेगा, चल जाए यहाँ से। या खुदा, पानी पर भी पाबंदी। हाँ हाँ, ऐसा ही लगता है। चलिए आगे चलते हैं। ठहरिए, जरा बात करके देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दरोगा साहब। वालेकुम अस्सलाम शेख साहब। दरोगा साहब, जरा पानी मिलेगा? नमाज का वक्त है, वुजू करना है। लो, ये और आ गए पानी लेने वाले। जाओ जाओ बाबा, कोई और जगह देखो, यहाँ से पानी लेने का हुक्म नहीं है। मगर आपके राजा साहब ने तो हमसे कहा था कि हमें उनके राज में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब अगर हम उनसे ये कहेंगे कि आपने हमें वुजू के लिए पानी नहीं लेने दिया तो इसे क्या? अरे अरे, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप राजा साहब का हुक्म लेके आए हैं? लीजिए लीजिए, ले लीजिए पानी। अच्छा ठीक है, हम ये लोटा भर लेते हैं। बेटा, मुझे भी थोड़ा सा पानी ला देते तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ अपना घड़ा मुझे दे। जीते रहो बेटा, पानी से भर देता हूँ। जीते रहो। तो इस तरह दरवेश उन प्यासी औरतों बच्चों को पानी लाला कर देते रहे और नमाज का वक्त बीत गया। मौलाना ने जब उन्हें टोका तो बोले, आज मेरे खुदा को भी यही सजदा कबूल था, इसलिए मैंने यही किया। हजरत निजामुद्दीन औलिया का भी यही मानना था कि इंसान के आंसू पोंछना रोजे और नमाज से ज्यादा पुण्य का काम है। हजरत निजामुद्दीन औलिया इसी तरह किस्से कहानियों के माध्यम से जीवन के सही तौर तरीके सिखाते थे। वैसे तो उनके यहाँ गंभीर दार्शनिक विषयों पर भी चर्चा होती थी, लेकिन आम आदमी को ऐसी कहानियों के जरिए सीख देना ज्यादा आसान था, ये वो बखूबी जानते थे। हर साल दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर उनका उर्स मनाया जाता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त आते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। निजामुद्दीन औलिया, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। परियोजना संयोजन शबनम सिन्हा, आलेख शुभ्रा शर्मा,
कलाकार वी एम बडोला, सुरेंद्र सेठी, वीना होरा, के एस पवार, सुरेश शास्त्री, राजेश आहूजा और सविता बजाज, संगीतकार दिनेश प्रभाकर, ध्वनिंकन दीपक पांडे और बटिलेंग लिंग दो, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी एवं सिम्मी कुमार तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।